साथियों, जब आप इस 2023-24 सत्र में उडाइस पोर्टल पर डाटा फीड कर रहे होंगे, तब आपको एक परेशानी का सामना अवश्य करना पड़ा होगा। यहाँ पर आपको किसी भी छात्र की डिटेल तथा उस कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या प्रदर्शित नहीं हो रही होगी। तो उस संख्या को हम कैसे वापस लाएंगे, उसकी पूरी प्रक्रिया को हम आज समझने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पोर्टल को ओपन कर लेंगे। पोर्टल ओपन करने के लिए हम किसी भी ब्राउजर में इसकी साइट को फील कर देंगे। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को इस वाले ऑप्शन लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करना है। इसके बाद इस प्रकार की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर हम लोगों को अपना जो स्टेट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गो बटन पर टैप कर देंगे। उसके बाद हमें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हम लोग यहाँ से अपने आप को यूजर आईडी यानी विद्यालय का उडाइस कोड तथा पासवर्ड के माध्यम से हम अपने आप को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के पश्चात हम लोगों को दो ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर 2023-24 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेशन 2023-24 सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को सारा डाटा जीरो शो कर रहा है। अब हमें अपने विद्यालय के बच्चों को पहले प्रमोट करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर डाटा शो करेगा। प्रमोट करने के लिए हमें इस ऑप्शन प्रोग्रेसिव एक्टिविटी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव एक्टिविटी को सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी, जिसमें कि हमें तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहले ऑप्शन में हमें प्रगति मॉड्यूल, दूसरे ऑप्शन में हमें इम्पोर्ट मॉड्यूल और तीसरे ऑप्शन में हमें ड्रॉप आउट बच्चों से संबंधित डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले जो काम करना है वह करना है प्रगति मॉड्यूल पर। तो हम लोग प्रगति मॉड्यूल के गो ऑप्शन को चूज कर लेंगे। प्रगति मॉड्यूल चूज करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्रदर्शित हो जाएगी। यहाँ पर हम लोगों को क्लास और सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है और गो बटन को प्रेस कर देना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब हम कक्षा एक को सेलेक्ट कर रहे हैं तब हम पिछले वर्ष कक्षा एक के बच्चों के डाटा को देख पाएंगे, क्योंकि यह जो डाटा हम लोग फिल कर रहे हैं वह पिछले वर्ष के बच्चों का है। यहाँ पर हमें कक्षा एक से संबंधित समस्त बच्चों का डाटा प्रदर्शित हो जाएगा। हम बारी बारी से एक बच्चे से संबंधित समस्त एंट्रीज को बड़े ही ध्यानपूर्वक फिल करते जाएंगे। प्रत्येक ऑप्शन के नीचे हमें जिस वर्ष का डाटा फीड करना है वह सत्र भी लिखा हुआ मिल जाता है। उसी के अनुसार डाटा ध्यानपूर्वक फिल, एक बच्चे से संबंधित सारी एंट्रीज पूर्ण होने के पश्चात हमें लास्ट में आगे आ रहे अपडेट ऑप्शन पर टैप अवश्य करना है। इस ऑप्शन पर टैप करने के पश्चात ही आपका डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो पाएगा। बच्चों का डाटा फिल करने के बाद पेज पर नीचे की ओर जाने पर हमें सबसे लास्ट में फाइनलाइज ऑप्शन मिल जाता है। जब तक हम इस ऑप्शन पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक डाटा सिंक नहीं होगा और आपका डाटा फाइनलाइज नहीं हो पाएगा। तो हमें डाटा फिल करने के पश्चात इस ऑप्शन पर अवश्य क्लिक करना है। जितने बच्चों का डाटा फिल करने के पश्चात आप फाइनलाइज कर देंगे, उतने बच्चों का डाटा आपके कक्षा के डाटा में ऐड होता चला जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दूसरे ऑप्शन इम्पोर्ट मॉड्यूल की। इम्पोर्ट मॉड्यूल से मतलब है कि किसी दूसरे स्कूल से बच्चे को अपने स्कूल में इम्पोर्ट करना। यहाँ पर जैसे ही हम लोग इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर हम लोगों को गेट नेशनल कोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर हम लोगों से बच्चे का आधार कार्ड तथा डेट ऑफ बर्थ से संबंधित सूचना को फिल कराएगा। उसके बाद सर्च ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात आपको नेशनल कोड प्राप्त हो जाएगा और उस नेशनल कोड को फिल करने के पश्चात आप बच्चे को आसानी से इम्पोर्ट कर पाएंगे। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि तीसरे ऑप्शन ड्रॉपबॉक्स में उन छात्रों की सूचना प्रदर्शित होगी जो छात्र ड्रॉप आउट हो चुके हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार की सूचना हमारे सामने प्रदर्शित हो जाएगी। यदि आपके विद्यालय में ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या है तो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी, अन्यथा यहाँ पर कुछ भी प्रदर्शित नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ अब आप उडाइस प्लस पोर्टल पर अपने विद्यालय से संबंधित जानकारी को सफलतापूर्वक फीड कर पाएंगे। इसी प्रकार की अपने विभाग तथा निर्वाचन संबंधी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।